ललिता का बेटा एक फौजी था। 2 साल से वो घर नहीं आया था, पर आज वो घर आया है, लेकिन चलकर नहीं, तिरंगे में लिपट कर। माँ, भैया को क्या हुआ? भैया क्यों नहीं जाग रहे? बेटा रोना बंद करो, तुम्हारे भैया ने ये देश के लिए बलिदान दिया है। वो हमेशा से ही अपने देश के लिए जीता था। आज मेरा बेटा मरा भी है तो देश के लिए मरा है। क्या भैया? भैया अब नहीं रहे? भाभी, माँ ये क्या कह रही है? छोटू, माँ सही कह रही है, और तुम रो मत। तुम्हारे भैया की भी हमेशा से यही इच्छा थी कि अगर वो देश के लिए शहीद होंगे तो कोई भी रोएगा नहीं, बल्कि सब उनको हंस कर विदा करेंगे। यहाँ आओ छोटू, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई की एक कहानी सुनाती हूँ कि मेरा बेटा सैनिक कैसे बना था। माँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या बात करनी है? माँ, मेरा सपना है कि मैं पिताजी की तरह एक फौजी बनूं। मैं बहुत समय से इसकी तैयारी कर रहा हूँ और अब तो मैंने एग्जाम भी पास कर ली है। बेटा, तुम्हारे पिताजी का भी यही सपना था कि उनके बच्चे भी उनकी तरह देश पर मर मिटने को तैयार हों। हाँ माँ, मैं पिताजी का ये सपना जरूर पूरा करूंगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ूंगा। अगर आज तुम्हारे पिताजी होते तो उन्हें तुम पर बहुत नाज होता बेटा। माँ, पिताजी देश के लिए शहीद हुए हैं, वो हमेशा हमारे साथ ही है, और जब मैं देश के लिए लड़ूंगा तब पिताजी मुझे जरूर देखेंगे और खुश होंगे। हाँ, तुम जरूर एक सैनिक बनो और देश की सेवा करो। रिया, तुम कुछ नहीं कहोगी मेरे ये फैसले के बारे में? मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं आपके इस फैसले से बहुत खुश हूँ। बेटा, कब जा रहे हो तुम? माँ, परसों जा रहा हूँ। 2 दिन में बस सब तैयारी करनी है। ठीक है बेटा, बहू मेरे बेटे की सारी मदद करो, इसके जाने की अच्छे से तैयारी करवाओ। जी माँ जी। मालो हो गया मैं तैयार जाने के लिए। बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा, अब से तुम सिर्फ मेरे ही नहीं भारत माँ के बेटे भी हो, और तुम्हारा फर्ज अपनी अब इस माँ से पहले अपनी भारत माँ के लिए है। हाँ माँ, मैंने ये जिंदगी देश के नाम कर दी है। मेरा प्यारा बेटा, जाइए, आपकी ट्रेन का टाइम हो गया है। हाँ जाता हूँ, तुम माँ और छोटू का ध्यान रखना। छोटू पढ़ाई में अच्छे से ध्यान देता रहे, ठीक है? हाँ, मैं सबका ध्यान रखूंगी, आप उसकी चिंता मत करिए। चलो माँ, मैं जाता हूँ। मेरा बेटा उस दिन से आज घर आया है। छोटू, तुम्हारे भाई को याद करो, लेकिन रो मत, उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। भाभी, हम क्या करेंगे? भैया नहीं रहे। छोटू भैया देश के लिए शहीद हुए हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, वो अभी भी हमारे दिल में ही हैं और हमेशा रहेंगे। माँ, आपको भैया की याद नहीं आएगी क्या? बहुत याद आएगी बेटा, लेकिन तुम्हारे भैया ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि उसने ये जिंदगी देश के नाम कर दी है। उसकी पहली माँ अब से भारत माँ है। माँ, मैं भी बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता हूँ, मैं भी भैया की तरह देश की सेवा करूँगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर तुम भी फौजी बनना और भैया और अपने पिताजी की तरह देश के लिए लड़ना। हाँ माँ, मैं अब से बहुत मेहनत करूँगा और आपका और भाभी का नाम भी रोशन करूँगा। छोटू, मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी मेहनत करोगे तो अपने भैया की तरह एक सिपाही जरूर बनोगे। हाँ भाभी, मैं एक सैनिक जरूर बनूंगा। फिर कुछ सालों में छोटू सिपाही बनने की उम्र का हो जाता है। भाभी सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या हुआ? तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? बोलो।
माँ को भी आ जाने दो, तब बताता हूँ। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? माँ, आज आपके लिए एक खुशखबरी है मेरे पास। अच्छा बेटा, क्या खुशखबरी है, बताओ तो। माँ, मैंने आर्मी की एग्जाम पास कर ली और सुबह ही मेरा रिजल्ट आया। माँ, सच बेटा? हाँ सच में। अच्छी बात है, चलो कब जाना है तुम्हें बेटा? परसों की ट्रेन है तो मैं परसों ही जा रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी और भैया होते तो वो आज बहुत खुश होते। माँ, वो हमेशा हमारे साथ ही है, बस दिखते नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, तभी तो मैं भी एक सिपाही बन ही गया। माँ, हाँ बेटा तुम सच कह रहे हो, रिया छोटू को किसी चीज की कमी न रह जाए, सारा सामान पैक करवाने में उसकी मदद कर देना। हाँ माँ जी बिल्कुल, मैं सब कर दूंगी। छोटू, तुम्हारी ट्रेन का टाइम हो रहा है बेटा, तुम तैयार हुए या नहीं? हाँ माँ, हो गया तैयार, बताओ कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल अपने बड़े भैया जैसे लग रहे हो। सच में माँ? चलो छोटू, बातें बाद में होती रहेंगी, तुम्हारी ट्रेन का टाइम हो रहा है। भाभी, अब से छोटू नहीं बुलाओ मुझे। छोटू ना बोलू तो क्या बोलू तुम्हें? सोल्जर वीर कहिए। चलिए माँ, मैं जाता हूँ अब।